नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। कपूरथला तलवंडी चौधरिया मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर गहरे खड्डे में गिरी, 3 लोग हुए घायल। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने गत दिनों स्वतंत्रजीत सिंह उर्फ सत्ता कत्लकांड में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने 3 नशा तस्करों को किया काबू। 55 ग्राम हेरोइन, 2 पिस्तौल, 32 बोर और 5 जिंदा कारतूस किए बरामद। और अब हलचल विस्तार से। कपूरथला तलवंडी चौधरिया मार्ग पर एक भयानक सड़क हादसा घटित हो गया, जिसमें लगभग 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल सुल्तानपुर लोधी में भर्ती करवाया गया है। यह हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे तक उड़ गए और गाड़ी सड़क किनारे एक गहरे खड्डे में जा गिरी। इस संबंध में जानकारी देते हुए गाड़ी चालक हरविंदर सिंह ने बताया कि वह अपने एक साथी के साथ वापस घर जा रहा था। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति अचानक उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और उसे बचाने की खातिर उनकी गाड़ी बेकाबू होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरती है। वहीं दूसरी तरफ मोटरसाइकिल चालक का कहना था कि उसे गाड़ी के ड्राइवर की ओर से पिछली तरफ से फेंट मारी गई है, जिस कारण वह गिर गया और उसे मामूली चोटें आई हैं। भाई, मेरा नाम गुरजीत सिंह है, मैं टिब्बे दे रहने वाला हूं ते मैं लोइयां काम ते चला है ते पिछे गड्डी मारी आ। किथे करके? ए भाजी मेवा सिंह वाले लागे। कितों किथे जा रहे हैं? मैं भाजी अपने पिंड तो टिब्बे तो लोइयां जा रहे हैं काम ते। हरविंदर सिंह नाम है जी। घटना जी, मैं अपने काम तो अपने शॉप वालू जाता गया तलवंडी चौधरिया तो सुल्तानपुर रोड ते नियर मेवा सिंह वाले जो पहुंचे हैं अचानक एक बाइक अगे आई गड्डी दे उसनू बचाते बचाते गड्डी बेकाबू हो गई तो गड्डी लागे खड्ड विच जा डिगी। नुकसान लगभग मतलब कि टोटल लॉस दे विच गड्डी होण दी संभावना है। की मंग करदे हो? मंग कुछ नहीं, मंग यह करते हैं जी देखो जी इंसाफ होवे जिहड़ी भी चीज़ का होना चाहिए। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 3 ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਆ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ 3 ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਫਸਟ ਏਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜਧੀਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। जालंधर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब गत दिनों स्वतंत्रजीत सिंह उर्फ सत्ता के कत्ल के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसीपी जसकिरणजीत सिंह तेजा ने बताया कि 3 आरोपियों को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान नितिश, हिमांशु और राहुल सब्रवाल के तौर पर हुई है। आरोपियों ने रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया था। इनमें एक 16 वर्षीय नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल किए गए 2 बेस बैट, 1 लोहे की रॉड, 2 मोटरसाइकिल और मृतक स्वतंत्रजीत का मोबाइल फोन भी बरामद किया है और अगवा किए गए चौकीदार मुकेश कुमार को भी बरामद करने में सफलता हासिल की है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। 2023 दी एक दरमियानी रात को डिवीजन नंबर 1 दे विच बल्टन पार्क दे विच सड़क तो एक नौजवान दी जिहड़ा जिसका नाम सी स्वतंत्र उहदी डेड बॉडी मिली सी, जिहड़ा नाल उहदा एक्टिवा सड़क ते गिरिया सी ते उहदे जिहड़ा सिर दे विच हैड इंजरियां सी ते लत्तां दे उत्ते सट्टा मार के बंदा मारिया सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਦੀਪ ਚਹਿਲ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਔਰ NDPS ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਨੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ
भी जिहदे विचों दो बंदियां दा बाई नेम सी ते दो अननोन सी ते उहदे विचों उहनां ने दस्सिया सी भी दो मोटरसाइकलां ते आ के जिहड़ा उहनां ने वारदात कीती उहनां दी वजह रंजिश इह सी भी जिहड़ा मंडी बोर्ड दे विच इक जिहड़ा मंडी बोर्ड ने इक ठेका दित्ता होया सी सब्जी मंडी दा जिहड़ा गड्डियां दी पर्ची कट्टण वाला इहदे विच जिहड़ा मेन बंदा जिहदे नाम ते ठेका इशू होया उह अमृतसर दा रहिण वाला है उन्हें अगे सब मतलब लट किया हुआ से उन्हें अगे बंदे रखे हुए थे परची कट्टन लई जिन्हां चो मृतक जिहदा मर्डर होया वह भी एक बंदा सी तो वह आपस इन्हों का उस परची कट्टन तो पैसों के लैन देन तो रौला सी भी असी मैं मुनाफा लेना वह कहिंदा मैं लैना इस आड़ दे विच इन्हां ने पहलो उहदे जिहड़ा जिहदा मर्डर होया उहदे नाल एक चौकीदार सी लड़का उहनू पहलो 12 बजे रात नू उहनू कुट्टिया उन्होंने कुटमार करके उन्होंने चक के नाल लै गए तो फिर उस तो बाद अगे जाके उन्होंने फिर कुटिया कुट के वीडियो बनाई तो उन्होंने भजाता उस तो बाद सतनाम जिहड़े बंदे का मर्डर होया उन्होंने सत्ते जिहड़ा इन्होंने मर्डर किया उन्होंने रस्ते च रोक के तो ये चारों दोषी जिहड़े गिरफ्तार कर लिए हैं तीन दोषी जिहड़े एक नितिश है एक हिमांशु है एक तो राहुल सब्बरवाल तो एक जिहड़ा तीसरा चौथा बंदा है वह जुवनाइल है 16 साल है ये चारों दोषियों ने गिरफ्तार कर लिया सारी टीम ने अच्छा काम किया तो इन्होंने को वारदात जो दो मोटरसाइकिल वरते हैं वो प्लस जो इन्होंने वारदात के वैपन रॉड बेस पैड जो वरते से कर लिया तो एक दोषी जो मरण वाले का मौके तो फोन लै गए फोन भी जो रिकवर करके वारदात को सॉल्व करता जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने 3 नशा तस्करों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए DCP जसकिरणजीत सिंह तेजा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान अभी नाहर सनी नाहर और संजय के रूप में हुई है जिनके पास से 55 ग्राम हेरोइन 2 पिस्तौल 32 बोर और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। इंचार्ज CIA सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार उन्होंने बंदे फड़े हैं जो मानयोग साढ़े CP साहब कुलदीप सिंह चाल साहब की जी गैंगस्टर और NDPS के खिलाफ जी एक मुहिम चलाई गई है वो बड़ी सख्ती जरा मतलब जल्दी और सख्ती जरा किया जा रहा है ये उत्ते CI टीम ने ACP परमजीत होर तो इंचार्ज CIA सब इंस्पैक्टर अशोक इन्होंने जो 3 बंद गिरफ़्तार किया इन्हों के खिलाफ मुकदमा नंबर 15 थाना डिवीजन नंबर 5 के जरा NDPS का आर्म्स एक्ट का जरा दर्ज किया ये तिना बंद को जरा 55 ग्राम के खिला हीरोइन बरामद की है तो 2 इन्हों को 32 बोर के जोड़े है देसी कट्टे वो बरामद किए हैं तो नाल 5 जिंदा रोन बंद ये जो 3 बंदे हुण गिरफ़्तार किए हैं हुण इन्हों का मान योग कोर्ट च पेश करके असीं रिमांड लवेंगे रिमांड लैके जिहड़े वैपन कितों आए हैं इस गल नूं वेरीफाई करांगे तो की इन्हों का कोई प्रीवियस रिकॉर्ड कोई होर ते प्लस इन्होंने प्रीवियसली कोई वारदात ना की उस गल नूं सारा असीं खुलासा करांगे। ये तिने जिहड़े जलंधर के रहने वाले इन्हों इत्थों गिरफ़्तार किया जाए इन्हों का प्रीवियस रिकॉर्ड चैक कर रहे हैं फिलहाल हजे नहीं है बस फिर भी देखते हैं भी प्रीवियस रिकॉर्ड हो रहा खिलाफ मुकदमे फिलहाल इन्होंने को 55 ग्राम जी हेरोइन तो प्लस 2 32 बोर के देसी वैपन तो 5 राउंड बरामद किए। अमृतसर के माल रोड पर एक रेस्टोरेंट में पुलिस द्वारा देर रात रेड की गई जहां बार में हुक्का बार भी चल रहा था और शराब भी पिलाई जा रही थी और सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई की तरह यहां अमृतसर में भी इस बार में अर्धनग्न होकर लड़कियों की ओर से डांस किया जा रहा था और नाबालिग बच्चे हुक्का पी रहे थे। इस मौके पर ACP वीरेंद्र सिंह खोसा ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना के आधार पर यहाँ उन्होंने रेड की। यहाँ पर बिना लाइसेंस के लोगों को शराब पिलाई जा रही थी और बच्चों को हुक्का भी पिलाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि इस दौरान 17 के करीब हुक्के 8 शराब की बोतलें और 20 के करीब बियर की बोतलें बरामद हुई हैं जिसके चलते उन्होंने बार मालिक को लाइसेंस दिखाने के लिए कहा लेकिन उनकी ओर से उन्हें कोई मंजूरी या लाइसेंस नहीं दिखाया गया जिसके चलते इनके खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बार के दोनों मालिकों और उनके बाउंसरों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सानू कल एक इन्फॉर्मेशन मिली सी कि माल रोड से इरिश पीच नाम का रेस्टोरेंट जिथे इस दे दो मालक ने एक जतेंद्र वर्मा दूसरा प्रिंस मल्होत्रा इन्हों वालों अपने बार दे विच बिना किसी लाइसेंस के दारू भी पियाई जाती है तो दूसरा इत्थे हुक्कियां का भी काफ़ी काम चल रहा वा तो हुक्के नाबालग तो कुछ नाबालग भी उत्थे इस चीज़ का सेवन कर रहे हैं। जदों असीं मौके पर रेड की तो सानू उत्थे चलदी हालत दे विच 17 हुक्के ते 2 नाबालग लड़के भी मिले जिन्हां दी उम्र करीब 14 तो 15 साल सी
ਤੇ ਕਰੀਬ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰ 'ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਿਸਕੀ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 8 ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਗਰੀਸ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਬਾਊਂਸਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਵਿਖੇ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਲਹਿਰਾ ਕਾਗਾ ਕੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਮੇ ਪੇਸਟੀਸਾਈਡ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਨੇ ਗੋਦਾਮ ਮੇ ਭੀਸ਼ਣ ਆਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖੋਂ ਰੁਪਯੋਂ ਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਕਾਨ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਨੇ ਗੋਦਾਮ ਮੇ 70 ਲੱਖ ਕੇ ਕਰੀਬ ਪੇਸਟੀਸਾਈਡ ਔਰ ਖਾਦ ਕਾ ਬੜਾ ਭੰਡਾਰ ਪੜਾ ਥਾ। ਆਗ ਲੱਗਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਹਾਂ ਪੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕੀ ਗੰਧ ਇਤਨੀ ਭਿਆਨਕ ਥੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਘਟਨਾ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕੀ ਗਾੜੀਓ ਨੇ ਕੜੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਗ ਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਵਹੀਂ ਲਹਿਰਾ ਗੰਗਾ ਵਾਸੀਓ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾ ਹੋਣੇ ਕੇ ਚਲਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਗੋ ਨੇ ਮਾਂਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪਰ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸੇ ਬਚਾਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲੋਗੋ ਕੀ ਮਦਦ ਕੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਜਸਵੀਰ ਮਾਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। थाईलैंड में हुई एशियन खेलों में पंजाब के जिला बटाला के पूर्व सूबेदार 65 वर्षीय हरभजन सिंह फौजी ने 2 गोल्ड मेडल जीतकर भारत और पंजाब का नाम रोशन किया है। हरभजन सिंह फौजी ने 1500 मीटर दौड़ में 1 गोल्ड मेडल और 800 मीटर दौड़ में 1 गोल्ड मेडल जीतकर पंजाब का नाम रोशन किया है। गोल्ड मेडल जीतने के बाद जालंधर से अपने घर बटाला जा रहे पूर्व सूबेदार हरभजन सिंह का जगह जगह पर खेल प्रेमियों और नज़दीकियों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जंडियाला गुरु के नज़दीक ब्यास पहुंचने पर नौजवानों की ओर से ढोल की थाप पर भांगड़ा डालते हुए और उन्हें फूल मालाएँ पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर स्वागत करने वाले नौजवानों में शामिल करणवीर सिंह ने कहा कि हरभजन सिंह जी ने गोल्ड मेडल जीतकर नौजवानों को एक बड़ा संदेश दिया है। जो नौजवान नशे की दलदल में फंसे हैं, वे नशे को छोड़कर खेलों की तरफ ध्यान दें ताकि वे देश के लिए मेडल जीतकर ला सके और अपना व देश का नाम रोशन कर सके। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम करणवीर सिंह है। आज साढ़े बुजुर्ग जो कि थाईलैंड तो फस्ट पोजिशन 1500 मीटर से फस्ट पोजिशन 800 मीटर रेस से जीत गए हैं। अज सारे मुंडे नौजवान पीढ़ी अपने सारे इन्होंने स्वागत करने लिए जलंधर तो इन्होंने लैके आए हैं। तो हूँ आप ब्यास इस वक्त इन्हों स्वागत करने इतने खलोते हैं तो इन्हों तो बहुत कुछ सीखने मिले हमने तो इन्हों तो सानू साडे नौजवान पीढ़ी में मैं कहना चाहता कि बुजुर्गों वेख के सीखिए। अजक नौजवान सारे नशे जान रहे हैं उन्होंने तो नशे छड के इन्हों तो सीख के आप भी खेडा रुझान वधाइए अपना जो कि बहुत जरूरी है तो इन्हों का भी सारे ने बहुत सलाह वधाई की है। मेरा नाम एक्स सूबेदार हरभजन सिंह, आई एम रिटायर फ्रॉम आर्मी और मैं फौज के भी सर्विस तक नैशनल तक 10 साल तक 12 साल तक गेम करता रहा। बट जिहड़ा मैंने 5 अक्षर हुण नसीब होया इंडिया ये हुण होए है ये भी जो मतलब कि थर्ड थाईलैंड मास्टर गेम्स एसोसीएशन से कराई गई मीट दे करके हुई है ये कि मैं एथलैटिक्स 1500 मीटर 800 मीटर गोल्ड मैडल जितया है। मैक्सीमम साढ़े मतलब कि 12 कंट्रीज़ उत्थे आईया सी जिन्हों के मतलब कि पंजाब की तरफों साढ़े एक्स मैन मेजर बलराज सिंह जो कि जलंधर के साढ़े पंजाब मास्टर एसोसीएशन के प्रधान ने उन्हों की रहनुमाई के हेठ असी 6 आदमी गए से इतों जिन्हों के मैनू 2 गोल्ड मैडल मिले हैं ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਔਰ 2 ਮੈਡਲ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਔਰ 1 ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ। 5 ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਏ ਸੀਗੇ 6 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ 5 ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੋਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਿਖੂ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਜਹਾਂ ਵੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਵਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸ਼੍ਰਵਨ ਕੀਆ। वहीं उन्होंने कहा कि सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होकर मन को एक अलौकिक सुकून मिला है। तो वहीं इस मौके पर श्री हरिमंदर साहिब के सूचना विभाग की ओर से उन्हें सम्मान चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया।
अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम बिखू सिंह जी परमार, गुजरात गवर्नमेंट के राज्य कक्षा के मंत्री हूँ। आज हम हमारी डेयरी के डायरेक्टर लोग के साथ इस सुवर्ण मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हैं। दर्शन हमने किया, बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार आया हूँ और अच्छा इतना लगा कि मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। और जो व्यवस्थापक लोग हैं वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, हमको बहुत सारा सब कुछ बताया, हम संतुष्ट हैं। अमृतसर के जीटी रोड पर अल्फा वन के नज़दीक बीआरटीसी रोड वाली लाइन में डिवाइडर के साथ एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर गाड़ी टकरा गई। ये हादसा इतना जबरदस्त था कि गाड़ी बुरी तरह से डिवाइडर पर लगी ग्रिलों से जा टकराई और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ी चालक ने बहुत अधिक शराब पी हुई थी, जिस कारण यह हादसा हुआ। तो वहीं गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। वे घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस जांच अधिकारी दिलबाग सिंह ने बताया कि गाड़ी टकराने के बाद बीआरटीसी रोड लाइन बंद हो गई थी और जाम लग गया था। गाड़ी को वहां से हटाकर रास्ता खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि गाड़ी के मालिक का पता नहीं चल सका है, जिसका पता लगाया जा रहा है। इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि उसने शराब पी हुई थी या नहीं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਗੱਡੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਆ ਜੀ, ਬੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਖੁਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, पर्दाफाश करते हुए 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर हरप्रीत सिंह ने बताया कि बस स्टैंड थाना चौकी प्रभारी ASI निर्मल सिंह की सूचना के आधार पर पुल नाले के पास मोलसारी पैलेस के पास 3 नौजवान लूट की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने सूचना के आधार पर उक्त स्थान पर छापेमारी कर 3 नौजवानों को काबू कर लिया, जबकि 2 युवक अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। पकड़े गए आरोपियों की पहचान धम्मी उर्फ करण, बलजिंदर सिंह उर्फ बिट्टू दोनों निवासी पट्टी और अंगद सिंह निवासी होठिया के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए 3 आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। एक गैंग 5 बंदियां दे रेड कीता, 3 बंदे काबू आए, जिन्हां दोनों कृपाना दफ्तर ते रिकवर होए, बाद उन्हां ते फड़ के परचा दित्ता। ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਟਰੇਸ ਹੋਏ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਘਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਏਸੀ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕੋਈ? ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ 3 ਜਣੇ ਫੜੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਪਰਚੇ ਹੈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। अजर अमर श्री हनुमान चालीसा का 2 दिवसीय छठा वार्षिक मेला शोभा यात्रा के साथ आरंभ हुआ। ये शोभा यात्रा अमृतसर के हाल गेट से संस्था के प्रधान सूरज बब्बर की अध्यक्षता में श्रद्धा एवं धूमधाम से निकाली गई। इस शोभा यात्रा में माँ चिंतपूर्णी धाम, श्री सालासर बालाजी धाम, श्री मेहंदीपुर धाम और बाहुबली स्वरूप लंगूरों वाले श्री हनुमान जी की पावन ज्योति विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इस मौके पर सुंदर, मनमोहक और अद्भुत झांकियां भी दर्शाई गई। ये शोभा यात्रा हाल गेट से आरंभ होकर शहर के विभिन्न चौकों से होती हुई श्री दुर्गियाना मंदिर में आकर संपन्न हुई। इस दौरान श्री दुर्गियाना कमेटी की प्रधान एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला, आरती देवा जी, पवन जी महाराज, विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता, कुंवर विजय प्रताप सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी, श्री बड़ा हनुमान मंदिर के चेयरमैन डॉक्टर राकेश शर्मा ने अपनी हाजिरी लगाई
और श्री हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान सूरज बब्बर और मोहित बब्बर ने आए हुए अतिथियों को श्री राम नाम का सिरोपा, लाल पटका, केसरी शॉल और श्री हनुमान जी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर डॉक्टर राकेश शर्मा ने कहा कि परिवार की ओर से 14 फरवरी को मेला श्री दुर्गियाना मंदिर के मुख्य आंगन में सायं 6 बजे से बालाजी की इच्छा तक मनाया जाएगा, जिसमें गायक मास्टर नूर और लविश लव बालाजी के भजनों का गुणगान करेंगे और बालाजी का अटूट भंडारा भी लगाया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। और मैं बधाई देवांगा सारे शहरवासियों हर साल जितना इस साल भी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है हनुमान सभा परिवार वालों और ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और सारियां मेरी यही बेनती है कि मुख्य जो आयोजन है वो कल होना है श्री दुर्गियाना तीर्थ उसे आगे सारे ही मतलब हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर। अज हनुमान चालीसा परिवार की तरफों हर साल की तरह सेवा वासियों का जोड़ा मेला अज मनाया जा रहा है। मैं सारे शहर वासियों और खास तौर पर हनुमान चालीसा परिवार लख लखनऊ भी अरदास करता कि जो मिशन अभी लैके चले दुर्गियाना मंदिर में 6 बजे से 8 बजे तक हनुमान चालीसे की स्तुति की जाएगी। आप सभी श्रद्धालु सत्संग को सूचित किया जाता है, आप भी सभी परिवार साथ पहुंच करके इसमें भाग लें और अपने बच्चों को परिवार को जागृत करें, इस राम नाम से जोड़ने का मार्ग प्राप्त हो। मेरा नाम मोहित बब्बर, हनुमान चालीसा परिवार का सदस्य जी। अज साडा हनुमान चालीसा परिवार 6वां वार्षिक मेला करन जा रहा है, जिस उपलक्ष विच रथ यात्रा निकल रही है, जिस विच मेहंदीपुर बाला जी, सालासर बाला जी, माँ चिंतपुरनी माता जी, ज्वाला जी माता ते लंगूरा वाले बाला जी की अखंड जोतां जिहड़ी रथ के उपर विराजमान है ते उहदे सारे शहर नूं दर्शन कराए जाणगे। इह रथ यात्रा हाल गेट तों स्टार्ट हो के टाउन हाल तों अपना ਬਲੂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੂਸ ਬਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਥੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ। आजादी के अमृत महोत्सव पर आर्य समाज वेद मंदिर महर्षि दयानंद बाजार भार्गव नगर जालंधर में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वें जन्मोत्सव व बोध उत्सव पर भव्य ऋषि मेला 13 फरवरी से 19 फरवरी तक बड़ी ही श्रद्धा भाव से करवाया जा रहा है, जिसके दूसरे दिन आचार्य महावीर मुमुक्षु जी ने मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित होकर अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर प्रधान कमल किशोर, संरक्षक पंडित मनोहर लाल, कार्यकारिणी प्रधान राजकुमार, वरिष्ठ उप प्रधान रमेश चंद्र, मंत्री विशंबर कुमार, कोषाध्यक्ष सुदेश कुमार, संयुक्त मंत्री लाभ सिंह सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि किस प्रकार के जो हमारे ये 2 वर्ष हैं, इनमें हम महर्षि स्वामी दयानंद के उन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने ढंग से गति ने उसे आगे बढ़ाएं, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करें, उन अपने सहयोगियों को याद करें, उन्हें श्रद्धांजलि दें जो नींद के पत्थर के रूप में जिन्होंने इस मंदिर का, इस समाज का निर्माण किया है, उसमें अनेकों महानुभाव हैं, महाशय हैं,
जिनकी हम चर्चाएं करते हैं, जिन्हें उन्हें समय समय पर रहते हुए अपने समाज को वैदिक विचारधारा आर्य समाज से जोड़ने की कोशिश की। उसी कड़ी में जो हमारे से हमारे टाइम में जो स्थिति रही और उसमें जो योगदान और उनका इससे प्यार हमें मिलता रहा, वो स्वर्गीय श्री हमारे बाबू सरदारी लाल जी, उनकी सहसाई यहाँ पर मंच पर घुसते ही प्रांगण में सहराई की ओर ध्यान आ जाता है। आर्य समाज वेद मंदिर महर्षि दयानंद बाजार भार्गव नगर जलंधर दे विच हर साल ऋषि बोध उत्सव का पर्व बड़ी शान शौकत नाल मनाया जाता। इस उपलक्ष्य दे विच ही इस साल भी यह जो पर्व है ये 13 तरीक तो लै करके 19 तरीक तक आर्य समाज वेद मंदिर भार्गव नगर मंदिर मनाया जा रहा। इसकी शुरुआत आज वेद की कथा तो प्रारंभ हो गई है। श्री राजेश अमर प्रेमी जी और उन्होंने नाल मुरादाबाद तो वेद के प्रवक्ता आदरणीय डॉक्टर महावीर मुमुक्षु जी विशेष तौर पर वेद कथा के वास्ते साढ़े को पहुँचे हैं। ये प्रोग्राम लगातार 18 तरीक शाम तक चलना और 19 तरीक वाले दिन विशेष रूप नाल एक बहुत बड़ा समारोह आर्य समाज वेद मंदिर के विच होएगा, जड़ा कि सवेरे 9 बजे प्रारंभ हो जाएगा और 2 बजे तक चलेगा, जिन्हों की अध्यक्षता जी है वो स्वामी सदानंद जी महाराज जेडे कि दयानंद मठ दीनानगर के अध्यक्ष ने वो करेंगे। और झंडे की रसम साड़ी आर्य प्रिंसिपल पंजाब के महामंत्री श्री प्रेम भारद्वाज जी उन्होंने कर कमलों के नाल यज तो बाद की जाएगी। लगातार 2 बजे तक यह प्रोग्राम चलेगा, जिसे आर्य समाज के बहुत सारे नेतागण संन्यासी इस प्रोग्राम के अपनी अपनी रिश्तेदार जी महाराज के संबंध में अपने अपने विचार रखेंगे। मेरी सब दे अगे बेनती है कि इस प्रोग्राम दे विच हम हमा करके पहुंचो। सत्यनारायण मंदिर काजी मोहल्ला जालंधर में माघ माह के संबंध में पिछले 1 महीने से क्रमवार चल रहे हवन यज्ञ की पूर्ण आहुति डाली गई, जिसकी अगुवाई पंडित गुलशन शर्मा की ओर से की गई। वहीं इस अवसर पर मंदिर के अन्य पंडित भी मौजूद रहे, जिनकी ओर से विधि विधान तथा मंत्रोच्चारण कर आए हुए भक्तों से आहुतियां डलवाकर यज्ञ को संपूर्ण किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंडित गुलशन शर्मा ने माघ महीने में हवन यज्ञ को करवाने के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर इलेक्ट्रिक एसोसिएशन फगवाड़ा गेट के प्रधान जॉय मलिक, पूर्व प्रधान अमित सहगल, पूर्व डिप्टी मेयर कुलदीप सिंह ओबराय, पंडित विपिन शर्मा, डॉक्टर ज्योति सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। अंत में यज्ञ ब्रह्मा की आरती के पश्चात प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आज हमारे पास स्वर्गीय श्री बसंत प्रकाश जी के सहजादे शीतल विधि और गुरु सरकार श्री अवतार हेमी जी, बाबा हेमी जी और सरदार बलजिंदर सिंह जी हमदर्द अधिक समाचार संपादक, जिनका एक प्यार एक बहुत सी ममता मुझे प्राप्त होती है। बाकी शहर के सारे गणमान्य राजनीतिक शीतल अनुराग जी और सुशील रिंको जी, भगत चुनीलाल जी के सहजादे महिंदर भगत जी, राजेंद्र बेरी जी, चंदर ग्रहवाल जी, मनोरंजन कालिया जी और भी रमन अरोड़ा जी और हमारे मकर साहब प्रगट सिंह जी, शहर के जितने भी राजनीतिक सामाजिक धार्मिक कुछ ड्यूटी लगा करके हाजिर लगा करके गए हैं, कुछ आ रहे हैं। हलचल दैनिक सवेरा और डीएस जनरल और सरदार बलजिंदर सिंह जी और
अज सत नारायण मंदर जी पंडित जी गुलशन जी जो कि तकरीबन 45 साल तो यह जरा माघ महीने का जो यज्ञ कराते हैं हवन कराते हैं। मैं तकरीबन सवार हो काफ़ी साल तो इतने आ रहा बड़ी मन च खुशी मिलती है। ये पंडित जी गुलशन जी निष्काम सेवा करने वाले है दिल के सच्चे है बड़े वधिया हवन यज्ञ करा के सारिया संगतों को कीर्तन भी करते जस करते निहार करते गुरु चरणों नाल जोड़ते हैं और बहुत ही अच्छी इतने आ गए इन्ना को सुकून मिलता है आनंद मिलता है। माघ महीने का जरा बहुत ज़्यादा महत्व होता है महात्मा महापुरुषों का इतने यज्ञ अज 45वां तकरीबन यज्ञ होया इतने। मैं सारी संगत को अपने वालों अपने परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद दिना। 40वां माघ मास महात्म महायज्ञ श्री सत्यनारायण मंदिर काजी महल्ला में आज बड़ी विधि विधानता के अनुसार बुजुर्गों का आशीर्वाद और सभी मोहल्ला शहर निवासियों के सहयोग से आज संपन्न हुआ है। यज्ञ में शहर के राजनीतिक सामाजिक धार्मिक सभी स्थानों के जो के सज्जन आज हजारों की तादाद में नारियल डालकर अपने मन को पवित्र सुख शांति संतान की प्राप्ति के लिए आज सारी संगत पहुंची है और मैं सभी सज्जनों का श्री शीतल विच अवतार हैंडी जी सरदार बरिंदर सिंह जी जो के मुखी और चेयरमैन संजीव कुमार हांडा और प्रधान साहिल नारंग की तरफ से सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। भोला परिवार की ओर से कई वर्षों से माघ महीने में प्रतिदिन हवन यज्ञ का आयोजन श्री देवी तला मंदिर परिसर में स्थित श्री राम मंदिर में किया जा रहा है। इस हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति डाली गई और ब्रह्म भोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माघ महात्म हवन यज्ञ पर माथा टेका और उपस्थित सभी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर ओम प्रकाश भोला बाल किशन वर्मा कमल शर्मा आशा शर्मा जानकी भोला शारदा भोला उमा वर्मा पवन भोला नंद किशोर भोला सहित अन्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। यूथ ब्लड डोनेशन डे के अवसर पर समाज सेवी बीरबल बांसल की ओर से बठिंडा में खूनदान कैंप लगाया गया। इस मौके पर समाज सेवी बीरबल बांसल ने बताया कि एक तरफ जहां सभी नौजवान वैलेंटाइन डे मनाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो जवान देश के लिए शहीद हुए हैं उनकी याद को समर्पित ये खूनदान कैंप लगाया गया है ताकि ज़रूरतमंद लोगों को रक्त उपलब्ध करवाया जा सके। इसी उद्देश्य से उनकी ओर से ये खूनदान कैंप लगाया गया है। मेरा नाम डॉक्टर रितिक है सिविल हॉस्पिटल बठिंडा तो असी आए हैं। अज असी प्रताप नगर दे विच खूनदान कैंप लगा रहे हैं सहयोगी वीरू बंसल जी दे नाल। अज 14 फरवरी नू असी नैशनल यूथ डे दी तरह मनाया जा रहा है इंस्टेड ऑफ वैलेंटाइनस डे और अज इत्थे बहुत उत्साह नाल लोग डोनेट कर रहे हैं। मैं यही कहूँगी कि सारे उत्साह नाल इदां ही डोनेट करते रहन तां जो आपां जाना बचा सकीए। मैं नरेश पठानिया फर्स्ट एड ट्रेनर रेड क्रॉस सोसायटी बठिंडा। अज परसराम नगर एरिए समाज सेवी बीरबल बांसल जी जिहड़े ने उन्होंने अज खूनदान कैंप लगाया। जिवें आपां सारे जानते हैं कि 14 फरवरी का दिन जिहड़ा यूथ वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाउंदा हैगा लेकिन इस नौजवान की जिहड़ी सोच है वह इस तों हट के असी उस दिन नूं 14 फरवरी नूं पुलवामा के शहीदों की याद विच भी मनाउंदे हैगे जे साडे रक्षा सेनावां दे जिहड़े सैनिक सीगे उह शहीद हो गए सी तो उन्होंने श्रद्धांजलियां देने वास्ते अज इत्थे खूनदान कैंप विच मैं ते मेरे साथी विजय भट्ट जी शामिल होए हैं। तो इन्हों शहीदों जिते प्रणाम करते हैं उत्थे खूनदानियों भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने देश भगती की भावना लैके उन्होंने शहीदों याद किया। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। कपूरथला तलवंडी चौधरिया मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर गहरे खड्डे में गिरी 3 लोग हुए घायल। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने गत दिनों स्वतंत्रजीत सिंह उर्फ सत्ता कत्लकांड में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने 3 नशा तस्करों को किया काबू। 55 ग्राम हेरोइन 2 पिस्तौल 32 बोर और 5 जिंदा कारतूस किए बरामद। इसके
इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।